नमस्कार दोस्तों, स्वाद की धूम विद प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। मुरमुरा, मुर्रा या लाई हम सबको बहुत पसंद आती है, तो आज हम इसका चिवड़ा बनाएंगे। इसे बनाने में केवल 10 मिनट का समय लगता है। ये बहुत हेल्दी स्नैक्स है, आप बच्चों को दे सकते हैं, टी टाइम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मुरमुरे की नमकीन। सेहत से भरपूर टी टाइम स्नैक बनकर रेडी हो गया है। नमकीन मुरमुरा बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3/4 कप मूंगफली लिया है, 1 कप हमने यहाँ पर मखाना लिया है, 1/4 कप के करीब हमने यहाँ पर दालिया लिया है, थोड़े से सूखे हुए नारियल लिए हैं जिसे इस तरह हमने पीसेस में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह ये लंबा लंबा हमने कट किया है। सूखे मसाले में यहाँ हमने लिया है लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा, राई और थोड़ी सी सौंफ को हमने दरदरा पीस के रख लिया है। तड़के के लिए यहाँ पर हमने करी पत्ता लिया है और खड़ी लाल मिर्च ली। मुरमुरा हमने 200 ग्राम लिया है। अब हम गैस पर एक बर्तन रखेंगे। ध्यान रखिए बर्तन हमेशा थोड़ा बड़ा लीजिए ताकि चलाने में आसानी रहे। हम ऐड करेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना गर्म करेंगे ताकि उसमें मूंगफली अच्छे से सिक सके। बहुत गर्म तेल में जब हम मूंगफली डालते हैं तो अंदर से मूंगफली नहीं पकती है। मूंगफली को हमें हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है और मूंगफली भी सुनहरी हो गई है। अब हम मूंगफली को निकाल लेंगे। मूंगफली अच्छे से भुन गई है, तेल गर्म है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच कुटी हुई सौंफ। अब हम इसमें दालिया ऐड कर देंगे और दालिया को भी भून लेंगे। दालिया को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना ही भूनेंगे। अब हम तेल में डाल देंगे करी पत्ता, इससे अच्छी खुशबू भी आती है। और ये थोड़ी सी लाल मिर्च है, यहाँ पर हमने 6 लाल मिर्च ली है, ये भी डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ये नारियल कट करके रखा था। एक बार अच्छे से चला लेंगे। इन्हें भूनते समय गैस की आंच कम होनी चाहिए। दालिया, नारियल और मिर्च भुन चुके हैं, हमें ज़्यादा नहीं भुनना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे मखाना, तो 1 मिनट के अंदर ही हम इसमें मखाना भी डाल रहे हैं। हमें सारी चीज़ों को इतना भुनना है कि इसमें कच्चापन ना रहे। अब आप देख सकते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स भून चुके हैं, हल्का सा कलर भी चेंज हुआ है। यहाँ पर आप गैस की आंच बंद कर दीजिए ताकि सूखे मसाले जले ना। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ मैं 1/2 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च डालिए। और स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पर मैंने काला नमक यूज किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम ऐड कर देंगे मुरमुरा। मूंगफली भी इसमें ऐड कर देंगे और अब अच्छे से हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करना है। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमें 1 मिनट तक इसे एकदम लो फ्लेम पर भुनना है, क्योंकि मुरमुरा पहले से भुना हुआ नहीं है, तो अच्छे से क्रंची हो जाए हम इतना इसे भुन लेंगे। एक एयर टाइट कंटेनर में हम इसे आराम से महीने भर तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आप भी मुरमुरे की नमकीन की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक,